रानी रामपाल ने रविवार को ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिला हॉकी के फाइनल में प्रवेश करने के लिए हरियाणा को झारखंड से 5-2 से हराकर 5 गोल दागे। अब फाइनल में हरियाणा का सामना पंजाब से होगा, जिसे लाल रमसियामी के आखिरी गोल की मदद से मध्य प्रदेश से 2-1 से जीत मिली थी। टूर्नामेंट में 48 गोल करने वाले हरियाणा के खिलाफ झारखंड ने साहसिक प्रयास किया। झारखंड ने शुरुआत में सकारात्मक खेल दिखाया और अधिक कब्जे का आनंद लिया, लेकिन हरियाणा ने शुरुआती दबाव को खत्म किया और अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होना शुरू कर दिया। रानी ने हाफ टाइम के स्ट्रोक पर अपनी हैट्रिक पूरी की, जिससे हरियाणा ने 3-0 की बढ़त बना ली। तीसरे तिमाही में झारखंड को काफी सुधार हुआ, क्योंकि इसने उग्र हरियाणा को आगे की ओर रखा और अपने प्रतिद्वंदी पर दबाव बनाने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने में कामयाब रहा। संगीता कुमारी ने 45वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर झारखंड के लिए एक बार पीछे खींच लिया और 2 मिनट बाद सलीमा टेटे ने अच्छा गोल करके अंतर को 3-2 कर दिया। हालांकि हरियाणा फिर से इकट्ठा हो गया और मामली लिप से काफी तेजी से उबर गया। रानी रामपाल ने 49वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर अपना चौथा गोल दागा और 98वें मिनट में उन्होंने फिर से करीब से गोल करके अपने लिए एक अच्छा दिन पूरा किया। वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।